तो एग्जांपल दे रहा हूँ कि पत्नी का वेट कितना है 125 केजी और पति का वेट कितना है 65 केजी, जस्ट लाइक एहसान सर, ठीक है। अब मान लो दोनों सोए हुए हैं, चिट्टा सा नेगेटिव अच्छा सा बेटा नेगेटिव सब है ना, दोनों क्या हुए सोए हुए, रात को दोनों को गहरी नींद आई हुई है, धरती माँ नाराज हो गई, धरती माँ क्या हो गई नाराज हो गई, कहा कि ऐसा जोड़ी हमने कभी देखा नहीं, ऊपर वाले ने कैसा जोड़ी बनाया है, धरती माँ नाराज हो गई। उसके बाद धरती माँ दोनों को हिलाना स्टार्ट कर दी, भूकंप आ गया, भूकंप आया, पहले पति उठकर भागेगा कि पत्नी उठ के भागेगी, पहले दोनों पर दोनों उठ गए, दोनों का नींद टूट गया, पहले कौन भागेगा, आप तो आप है कहते के बाप है चट्टा कहेगा चलो, तो पहले कौन भागेगा उठ करके, जिसका मास कम है वो जल्दी भागेगा, ठीक है 65 केजी वाला, क्योंकि जिसका इनर्शिया कम है वो जल्दी अपने स्टेट को बदल लेगा, जिसका इनर्शिया ज्यादा है वो अपने स्टेट को जल्दी नहीं बदलेगा। मटकी का इनर्शिया ज्यादा है इसलिए वो अपना स्टेट चेंज नहीं करना चाहती जल्दी, ओके उसको समय लग जाएगा। और ये जो उसके हस्बैंड है यारे पति जी पति परमेश्वर, उनका मास कम है इसलिए वो उसका इनर्शिया कम है इसलिए वो जल्दी मोशन को बदल लेता है, यानी कि अपनी अवस्था को चेंज कर लेता है, क्या हो गया। तो पतले लोग जल्दी अपने स्टेट को चेंज कर लेते हैं, विराम से गति में जल्दी आ जाते हैं। अब चलो अब भाई भैया भाई 125 केजी की पत्नी है ओके, और 165 केजी का पति है, ठीक है, अब दोनों दौड़ रहा है, क्या कर रहा है एक्सरसाइज मॉर्निंग वॉक या दौड़ रहा है। अब दौड़ते उसके आगे जो है उसका ससुर आ गया, किसका ससुर आ गया उसका, किसका लड़का का ससुर आ गया ओके, तो दोनों को रुकना है, उसका बाप आ गया, इसका डबल बाप आ गया, सलाम करना है प्रणाम करना है जो भी करना है ओके। तो अब रुकना चाहता है, पहले कौन रुकेगी, पहले वो मुटकी रुकेगी कि पहले हस्बैंड की, पहले वाइफ बोलो हस्बैंड, क्योंकि हस्बैंड हंस रहा है, देखिएगा हंस रहा है, पहले क्यों रुकेगा, क्योंकि वो उसका इनर्शिया कम है, तो उसको मोटे लोगों को चल दौड़ते दौड़ते रुकने में भी टाइम लगता है, उठने में भी देर लगता है, माने वो अपने स्टेट को चेंज करने में दिक्कत होती है, इसको बोलते हैं इनर्शिया। इनर्शिया हर बॉडी की होती है, जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा, जिसका मास कम इसका इनर्शिया कम होता है। इनर्शिया का मतलब समझाया, किसी बॉडी का इनर्शिया उस बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो अपने स्टेट को चेंज करना नहीं चाहता है, या अपने स्टेट को चेंज करने का अपोजिशन करता है, विरोध करता है, रोकता है, खिलाफ करता है, उसको बोलते हैं हम लोग इनर्शिया। क्या इनर्शिया समझाया, तो इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी टू रजिस्ट द चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ द मोशन या स्टेट ऑफ द रेस्ट, मतलब वो स्टेट को चेंज करने का अपोजिशन करता है, रुकता है, ठीक है। हाँ, जिसका इनर्शिया ज्यादा करेगा वो ज्यादा विरोध करेगा, जिसका कम होगा इनर्शिया वो विरोध कम करेगा। जैसे 65 केजी के इंसान का, 65 केजी के मास वाला इंसान का इनर्शिया कम है तो वो जल्दी मोशन को अपने स्टेट को बदल लिया, ओके, ज्यादा विरोध नहीं किया। और जिसका 125 केजी था उसका इनर्शिया ज्यादा था इसलिए उसको स्टेट को चेंज करने में समय लग गया। क्या इनर्शिया समझ आया। अच्छा बताओ, हम पंखा देख रहे हो, पंखा दिखाता रुको ओके चलो, ये पंखा देख रहा हो मैं दिखाता हूँ, चलो अरे देख रहा हो रे, पंखा दिखाता हूँ, चलो पंखा, ये पंखा देख रहे हो, चलो ये पंखा को मैं दिखा के चला कर बंद करके दिखाता हूँ, चलो मैंने पंखा बंद कर दिया, कहीं ना अचानक रुका, धीरे धीरे क्यों रुक रहा है बताओ, बिजली तो नहीं दे रहा है फिर भी चल रहा है, क्यों चल रहा बताओ, क्योंकि इनर्शिया के देखो इनर्शिया ये पहले मोशन था, किसमें था मोशन था, तो इनर्शिया के कारण ये पहले ये तो इसका गुण है कि इनर्शिया कारण ये मोशन में ही रहना चाहेगा, तो मोशन में ही रहने के लिए ये मोशन में है लेकिन एनर्जी सप्लाई हो गया है, एनर्जी सप्लाई बंद हो गया है, इसको धीरे धीरे रुक रहा है, धीरे धीरे अचानक नहीं रुकेगा, ओके। अगर इनर्शिया इसके अंदर नहीं होता तो अचानक रुक जाता, बट इनर्शिया है इसलिए क्या करा कि नहीं हम चल भी करेंगे ना, हम चल भी करेंगे, तो चलने का इसके अंदर गुण है, तो धीरे धीरे रुक रहा है। अगर इनर्शिया ना होता तो ये फटाक से रुक जाता, देखो अभी देखो अभी तक नहीं ये रुका है, इनर्शिया के कारण घूम रहा है, जबकि इसको कोई बिजली अभी नहीं दी गई, तो इनर्शिया के कारण ये चल रहा है, अब ये रुक जाएगा ओके,
फिर उसके बाद इसको स्पीड बढ़ाएंगे, एनर्जी देंगे, फिर चलेगा, फिर बंद करेगा, फिर इनर्शिया के थोड़ा थोड़ा देर तक चलते रहेगा। तो अभी तक नहीं रुका, अभी भी इनर्शिया के कारण रुका चल रहा है। तो चूंकि अपने मोशन में ये परिवर्तन करना नहीं चाह रहा था, ये मोशन में था तो मोशन में ही रहना चाहता है, इस प्रॉपर्टी का नाम है इनर्शिया। का एग्जांपल समझ आया? तो देयर आर अ लॉट ऑफ इनर्शिया का एग्जांपल, ओके, बहुत सारा एग्जांपल है। इनर्शिया समझ आ गया इनर्शिया? बोले एक बताओ, आप रुक जाओ दिल दीवाने, पूछू तो मैं जरा, अया रुक गया, अब चल करते, आ जा बेटी, क्या समझ आया अच्छा से? इनर्शिया क्लियर हुआ? जल्दी बताओ। अगर इंसान के बच्चा हो तो बताओ ईमानदारी से, अपने दिल पे हाथ रख के, समझ आया कि ना आया? आ गया, दिल पे हाथ रख के, हाँ दिल पे हाथ रख के बोलो, हाँ तो बताओ इनर्शिया क्या है? मैं अपना परिवार से बोलता हूँ, इनर्शिया ये बेटा कैसे बैठा हुआ है, जैसे लग रहा है कि बाप रे अब्बू के ब्याह में आया है, बताओ। इनर्शिया किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो अपने अंदर होने वाले स्टेट के चेंज का अपोज करता है, ठीक है? यही बोलो हिंदी में कि जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वो अपने अंदर होने वाले अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, रोकता है, उसको हम लोग बोलते हैं जड़त्व। किसी बॉडी के अंदर इनर्शिया ज्यादा होता है, किसी बॉडी के अंदर इनर्शिया, जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा, जिसका मास कम उसका इनर्शिया। बताओ 5 के सिक्का का इनर्शिया ज्यादा कि 10 के सिक्का का इनर्शिया ज्यादा? कि जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा। बताओ 10 केजी के एक बच्चे का इनर्शिया ज्यादा कि उसके पापा 60 केजी के पापा का इनर्शिया ज्यादा? जिनका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा, जिसका मास कम उसका इनर्शिया कम। अब बताओ ये इसमें और इसमें किसका इनर्शिया ज्यादा? चलता ये तो फू नहीं है, मास ज्यादा है। अगर एक बार लग गया तुम्हारे सर पे तो टट्टर निकल जाएगा, टट्टर आउट, टट्टर 70 दिन रहेगा फिर भी नहीं ठीक होगा, टट्टर ऐसा ही गोल गोल यहाँ टट्टर निकल जाएगा, इसके जैसा ऐसे लटका रहेगा। तो बोलते उसी को बेटी बाजा वाले की तरफ तुमको फुला देंगे, वही को बोलते बाजा वाले, तो बोले बाजा वाले की तरफ फुला देंगे, वही टट्टर निकल जाएगा, यहाँ टट्टर, यहाँ टट्टर, यहाँ टट्टर, यहाँ टट्टर, यहाँ टट्टर, यहाँ टट्टर, टट्टर टट्टर, इसी बोलते बाजा वाले की तरफ फुला देंगे, बाजा वाले की तरफ फुला देंगे, ठीक है बेटा, समझेगा नहीं? इनर्शिया देखो, जब जड़ तो किसी वस्तु की उस परिवृत्ति को दर्शाता है जिसके अनुरूप अपनी वर्तमान अवस्था विश्राम गति को बदलने का विरोध करता है। अब सुनो, अब चलिए, अजय अजय एग्जाम्पल ही अच्छा नहीं लिया, यही एग्जाम्पल यहाँ ये कॉइन वाला एग्जाम्पल देख लिया, तुमने कभी कैरम बोर्ड खेला है क्या? कैरम बोर्ड देखो, कॉइन रेस्ट में, मान जो गोटी था, वो कॉइन रेस्ट में था, जैसे स्ट्राइकर से उसको मारा ठन, तो वो रेस्ट में रहना चाहता है, तो बाकी सब ऊपर रेस्ट में है, नीचे गिरेगा, नीचे वाला निकल जाएगा, अब सब रेस्ट में रहना चाहेगा, ठीक है? रेस्ट यही है इनर्शिया, इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर कोई बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहता है, उसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है, उसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। माने एक होता है विराम जड़त्व, क्या होता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। एक होता है गति जड़त्व, इनर्शिया ऑफ मोशन। जैसे तुम्हें एक चीज बताता हूं, मैं इंटरेस्टिंग पॉइंट बता रहा हूं, तो जैसे मैंने बोला अभी जो मैंने एग्जांपल दिया, ये वाला खींचने वाला कॉइन वाला, तो कॉइन नीचे गिर गया, रेस्ट में था, रेस्ट में था, तो उसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्या था? कोई वस्तु चल रही है, दौड़ रही है मोशन में, तो मोशन में रहना चाहेगा, तो उसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। एक होता है अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करना चाहता, उसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तीन तरह का इनर्शिया होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल सुनो, कभी बाइक पे बैठे हो ये मेरा पूरा भींग गया यार, गीला गीला लग रहा है, कोई बोलेगा तो कहेगा सुसु कर लिया है, पूरा पीछे का भींग गया, वल्ला वल्ला, तो बहुत बुरा बात है, तभी तो खराब हो जाएगा। इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण सुनो, ए बड़ी सुनो क्या बोल रहे, तो बाइक पे जब बैठोगे, कभी गाड़ी चल चल चल, अब्बू चला रहे हैं, भाई बड़े चला रहे हैं, कोई भी अंकल चला रहे हैं, कुछ चला रहे हैं, तो बाइक पे तुम बैठोगे, ओके, तो क्या होगा, गाड़ी जब अचानक चलेगी ना, तो तुमको एक झटका लगेगा पीछे की, बच गया, ऐसे बोलते ना, बोलते हैं जब बाइक चलता है, सुनो ना, जैसे गाड़ी चलना स्टार्ट हो, ढई पापा चलो चलो, अब तुम पीछे फेंकाते हो, तुम्हारे ऊपर एक फोर्स रहता है बैकवर्ड, क्योंकि तुम्हारा बॉडी रेस्ट में है, बॉडी किसमें है,
तो नीचे वाला हिस्सा जो है तुम्हारा रेस्ट में है, गाड़ी के कॉन्टेक्ट में, तो रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहेगा, ओके। बाकी पीछे फोर्स लग गया था, ये वाला रेस्ट में है, तो रेस्ट में है, बाकी ये वाला तो मोशन में आ जाएगा पीछे। ऑब्वियसली तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण ये नीचे वाला हिस्सा जो है जो गाड़ी के कॉन्टेक्ट में रेस्ट में ही रहना चाहता है, बाकी ये वाला हिस्सा तो कॉन्टेक्ट में नहीं आ रही है, तो पीछे इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण पीछे चलाता है। तो तुम बोले कि जब बस में आप बैठते हो, चलती हुई बस में, जब बस अचानक चलती है, स्टार्ट होती है, या गाड़ी में आप बैठते हो अचानक चलते, तो आप पीछे की ओर झुक जाते हो, क्यों? इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण। अब जब गाड़ी चल रही होती है, गाड़ी चल रही होती है, अचानक ब्रेक लगता है, तो आगे की ओर झुक, बच गया, यस, ये तो उसे बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। क्या बोलते हैं? क्योंकि तुम्हारा जो बॉडी कॉन्टेक्ट में था, बॉडी इसके गाड़ी के कॉन्टेक्ट में, तो मोशन था, गाड़ी मोशन, तो तुम्हारा बॉडी भी मोशन है, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा तो कॉन्टेक्ट में नहीं था, ये मोशन का मोशन में रहेगा, लेकिन ये आगे ऊपर वाला हिस्सा रेस्ट में है, तो अचानक रुकना चाहता था, आगे उठ चुका है, ठीक है। ये अक्सर गाड़ी में भी देखने में होता है, बस में भी देखने में मिलता है। समझ में आ गया अच्छा से? क्लियर है? सो दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया, इनर्शिया। इनर्शिया दुनिया में हर बॉडी की होती है, इनर्शिया दुनिया में हर बॉडी की। दो इनर्शिया मतलब आलसपन, खत्म, टट्टा बाबा, ओ बबैया, हो बबैया, ओ बबैया, ओ बबैया। इनर्शिया मतलब ए चट्टा लिख रहा है, इनर्शिया क्या है? आलसपन। क्या चीज? हाँ, आलसपन है, ठीक है, इनर्शिया आलसपन है भैया, आलसपन गति का पहला नियम तो पढ़ाई दिए थे, जब तक मैं समझाऊंगा नहीं, लिखाने का मौका सब लिख दिया, लिखा हुआ है, समझाना जरूरी था। गति का प्रथम नियम क्या था? कोई वस्तु विराम में है तो विराम में है, कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रहा है तो गति में ही रहेगा, जब तक कि उस पर कोई बाहर से बल न लगाए। मेरी बात ध्यान सुना, ए मिस्टर सुनो, डेफिनेशन, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, मतलब जब तक कि उस पर कोई बाहर से फोर्स न लगाया जाए। अब इस न्यूटन के फर्स्ट लॉ का दो पार्ट है, कितना पार्ट है? पहला पार्ट है कि कोई बॉडी रेस्ट में रहना चाहेगा और मोशन में, तो इसको बोलते हैं इनर्शिया। और सेकंड पार्ट है कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स बाहर से लगा दिया जाए तो वो बॉडी अपने स्टेट को चेंज कर लेगा। न्यूटन का फर्स्ट लॉ से दो चीजों के बारे में जानकारी मिलता है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ से दो चीजों के बारे में जानकारी मिलता है, बोलो, न्यूटन के फर्स्ट लॉ से दो चीजों के बारे में जानकारी मिलता है। पहला पार्ट से इनर्शिया का डेफिनेशन मिलता है, अब दूसरे पार्ट से फोर्स का डेफिनेशन मिलता है। फोर्स वो फिजिकल फैक्टर है जिसके कारण कोई बॉडी अपने स्टेट को चेंज करता है या कर सकता है, ठीक है, कर सकता है, ये फोर्स का डेफिनेशन है। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ में इनर्शिया का भी डेफिनेशन है और न्यूटन के फर्स्ट लॉ में फोर्स का भी डेफिनेशन है, ओके। सो द न्यूटन फर्स्ट लॉ gives two concept, first is inertia and second is force। inertia ke bare mein bata diya ki inertia kya hota hai aur force to jante ho, okay। the force ka sahi definition hai ki force is that physical cause of the cause which acted on a body which can change the states, that means uniform state or state of rest, okay, yeah। the first law ko law of inertia bhi bola jata hai, first law ko, this is also known as law of inertia, a force is needed to change the state of motion, etc. ho gaya, in the absence of external force the object state remains unchanged, agar koi force na lage to body ka state remains same rahega, koi change, so ye sari baatein hum log pichle class mein kar liye the, inertia ke bare mein aa gaya, inertia vastu ke as bade, inertia body ke mass pe depend karta hai, kis pe depend karta hai, mass zyada inertia zyada, mass kam to chalo kya likha hua hai, jarat ka pariman vastu ke draman pe nirbhar karta hai, भारी वस्तु का जड़त्व अधिक होता है, गति या विश्राम की अवस्था में बदलने के लिए बल की आवश्यकता होती है, छूट गया तो है को लिखा देना है, ओके। इनर्शिया, द इनर्शिया रेफर्स टू द टेंडेंसी ऑफ द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंज इन स्टेट और रेस्ट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, व्हेन अ टेंडेंसी, गुण यार, प्रवृत्ति, गुण, टेंडेंसी, व्हेन अ कार सडनली स्टॉप्स, व्हेन अ कार सडनली स्टॉप्स द पैसेंजर लर्च फॉरवर्ड, लर्च लिख दिया, लर्च, लॉर्च नहीं, चलो मूव्स, बोलो, द पैसेंजर मूव्स टुवर्ड्स फॉरवर्ड, फॉरवर्ड, व्हेन कार सडनली स्टॉप द पैसेंजर मूव्स फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मतलब सामने झुक जाता है, ओके, बिकॉज़ देयर बॉडीज मेंटेन मोशन, ओके भैया, की पॉइंट्स, अब मैग्नीट्यूड, ए भाई बात है, हो गया, क्या इनर्शिया का कांसेप्ट क्लियर हो गया?
इनर्शिया कितने टाइप का है जल्दी बताओ। मकलोली कह की दो टाइप का, इतना पढ़ा दिया। अब कहते कहते हैं दूध पियो, दूध पीती नहीं है, कहाँ से धीमी याद रहेगा। कितने टाइप इनर्शिया होता है, इनर्शिया कितने टाइप का बताओ। इनर्शिया ऑफ रेस्ट पहला हो गया, इनर्शिया ऑफ इसको हिंदी में बोलते हैं विराम जड़त्व। क्या बोलते बेटा, विराम जड़त्व। दूसरा बोलो, ये हुआ, ये शब्द हुआ। मजा आया कि ना आया, आएगा मजा अब कंसेप्ट का। गति जड़त्व, गति जड़त्व। और बोलो तीसरा बोलो, इनर्शिया ऑफ, ये हुआ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। हाँ वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। दिशा जड़त्व हो गया, दिशा में परिवर्तन नहीं चाहेगा, ठीक है बदला। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, रेस्ट में परिवर्तन नहीं चाहेगा। इनर्शिया ऑफ मोशन, मोशन में परिवर्तन नहीं चाहेगा। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, दिशा में परिवर्तन नहीं चाहेगा। देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स ऑफ इनर्शिया, मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें मैंने कुछ एग्जांपल आपको बताए। मजा आया कि नहीं आया इसका क्लास, बहुत एक्सपेरिमेंट करवाया यार, तब तो मेरा तो हालत खराब हो गया, मेरा पानी देखो काका दुनिया में काका देखने को मिला, तुम लोग तो चले जाओगे और यहाँ पर बैठ के हम रोते रहेंगे, आग सांस में पूरा रात रोएंगे और फिर दूध पियेंगे, फिर चुप हो जाएंगे, क्या दिक्कत है। ओके गाइस, तो आज के कड़वा का एग्जाम, कल मिलते हैं, कल मैथ्स पढ़ेंगे लेकिन साइंस का पूरा याद करके लाओगे इनर्शिया के बारे में। जिसको लिखना है इनर्शिया का टाइप लिख लो, इनर्शिया सब लिख चुके थे ना, इनर्शिया लिखे थे ना, हाँ ये लिख सकते हो टाइप, अब एग्जांपल याद रखना। दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, सी यू देन, बाय 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 बाय